जादुई घोड़ा। गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा व्यापार था और उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका एक दूर का रिश्तेदार जिसका नाम मुकेश था, वह एक दिन किशन के पास आया। जीजा जी प्रणाम, कैसे चल रहा है आपका काम? ठीक ही चल रहा है, दाल रोटी का इंतजाम हो जाता है। सिर्फ दाल रोटी से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और करना पड़ेगा। मेरे पास एक व्यापार की अच्छी योजना है। दोनों जन मिलकर पैसा लगाएंगे और ढेर सारी दौलत कमाएंगे। मुकेश एक चालबाज ठग था और उसने अपनी मीठी मीठी बातों में किशन को उलझा दिया। किशन ने बहुत सारे पैसे उसके साथ व्यापार में लगा दिए। मुकेश ने उसके पैसे हड़प कर लिए और कहा कि व्यापार में बहुत लंबा घाटा हो गया है। किशन बेचारा बहुत निराश और दुखी हुआ। उसकी सारी पूंजी खत्म हो चुकी थी, वह बर्बाद हो चुका था। किशन अच्छी तरह से समझ गया था कि उसके साथ उनके दूर के रिश्तेदार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। किशन का एक बेटा था, उसका नाम चंदू था। वह बहुत चालाक था। उसने निश्चय किया कि वह मुकेश मामा से बदला लेगा। वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक मरियल सा घोड़ा दिखाई दिया। वह काफी कमजोर था, इसलिए उसके मालिक ने उसे जंगल में छोड़ दिया था। चंदू ने उस घोड़े को अपने साथ ले लिया। घोड़े को रास्ते में घास खिलाते खिलाते 2 दिन के बाद मामा के यहाँ पहुँच गया। चंदू को देखकर मामा चौंक गया। मामा प्रणाम, कैसे चल रहा है आपका काम? भांजे, धंधे में बड़ी मंदी आ गई है, किसी तरह दिन काट रहा हूँ। अरे, यह तो मरियल सा घोड़ा क्यों लेकर आए हो? अरे मामा, ये दिखने में मरियल सा है लेकिन बड़ा चमत्कारी है, इसी ने तो मेरी जिंदगी संवारी है। चंदू के रंग ढंग देखकर मामा ने अंदाजा लगाया इस समय भांजा दौलत में खेल रहा है। दूसरे दिन सवेरे चंदू घोड़े के पास जाता है और घोड़े के नजदीक से ढेर सारे चांदी के सिक्के एक थैली में भरने लगता है। उसका मामा छिपकर यह सब देख लेता है। वह सोचने लगता है, यह घोड़ा तो सचमुच जादुई घोड़ा है, चांदी के रुपए देता है। यदि यह घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अरे भांजे, यह घोड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा, 1,000 चांदी के सिक्के दूंगा। मामा, आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो सुनी है? इस घोड़े के अंदर वही करामात है। यह जब तक साथ रहेगा चांदी और सोने के सिक्के देता रहेगा। आप मुझे 1,000 चांदी के सिक्के देंगे और इससे लाखों कमाएंगे। मुझे नहीं बेचना है अपना घोड़ा। अरे भांजे, 2,000 सिक्के ले ले। बात चलते चलते 3,000 सिक्कों पर सौदा तय हो गया। आप मेरे मामा हैं, इसलिए यह घोड़ा मैं आपको बेच रहा हूँ। इतना कहकर चंदू 3,000 चांदी के सिक्के लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। उसने घर पहुंचकर रुपए से भरी थैली अपने पिता के हाथों में रख दी। बाबूजी, मामा ने आपके साथ धोखा किया था और मैं उनकी टोपी उनको ही पहनाकर चला आया। दूसरे दिन जब मुकेश सवेरे घोड़े के पास गया और चांदी के सिक्के ढूंढने लगा, तो उसे घोड़े की भी और घास के सिवा कुछ न मिला। उसने अपना सिर पीट लिया। चिड़िया उड़ चुकी थी। सी, जैसे को तैसा। जो दूसरों का बुरा करता है, एक दिन खुद गड्ढे में गिरता है।